जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्यमंतक मणि की कथा। गणेश चतुर्थी के व्रत के दिन चंद्र दर्शन का निषेध माना जाता है। अगर भूलवश चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को झूठा कलंक और झूठा लांछन लगता है। इसलिए इसके दोष निवारण के लिए श्यमंतक मणि का कथा को श्रवण करना चाहिए। इससे गणेश चतुर्थी के दिन अगर चंद्रमा दिखाई दे जाए भूल से भी, इससे इसका दोष समाप्त होता है। तो आइए सुनते हैं श्यमंतक मणि की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। कि सनत कुमार के पूछने पर नंदकेश्वर कहते हैं कि अब आप लोग दत्तचित्त होकर इस कथा को श्रवण करें। भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभदायक व्रत को करना चाहिए। हे विप्रवर, नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही सभी कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। उनके सभी कलंक का शमन हो जाता है एवं विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में, विषम परिस्थिति में, अदालत संबंधी मामलों में, संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था, इसका प्रचार मृत्युलोक में किस तरह हुआ। आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। तब नंदकेश्वर ने कहा कि इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ था तो उसके शमनार्थ नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया कि हे नंदकेश्वर, सर्वगुण संपन्न ईश्वरीय युक्त भगवान है, सृष्टिकर्ता, पालन करता एवं संहार करता है, अप्रमेय, निर्गुण एवं सगुण है। ऐसे घटघट वासी भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लगा, यह बात बहुत ही विस्मयकारी है। हे नंदकेश्वर, आप इसका उपाख्यान का वर्णन कीजिए। तब नंदकेश्वर कहने लगे कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान पद्मनाभ, विष्णु और हलधर बलराम जी ने वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया। मगध साम्राज्य जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के निवास के लिए 16,000 सुंदर महलों का निर्माण कराया। उन रानियों के उपभोग के निमित्त पारिजात वृक्ष का आरोपण कराया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की और अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि लोगों के निवास के लिए भी प्रबंध करवाया। जहां जनता शांति पूर्वक बसती थी, त्रिलोकी में उपलब्ध होने वाली जितनी वस्तुएं थी सभी का वहां संग्रह किया गया था। उस द्वारिकापुरी में उग्र नामक यादव के सत्रजीत और प्रसेन नामक के दो पुत्र थे। समुद्र तट पर स्थित भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीरवान सत्राजीत तपस्या करने लगा। वे निराहार रहकर सूर्य की ओर टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर सत्राजीत के समक्ष प्रकट हुए। सत्राजीत भी अपने आराध्य के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ। सत्राजीत स्तुति करने लगा कि हे तेज पुंज, हे स्वतः प्रकाशमान, हे काश्यपीय, हे हरिदश्य, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले देवत्रयी स्वरूप, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवराज, आप मेरे पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। सत्राजीत की ऐसी स्तुति को सुनकर भगवान सूर्य ने सत्राजीत से शांत गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो वह मुझसे मांग लो। हे महाभाग्यशाली सत्राजीत, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी अप्राप्य है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने
अपने कंठ से मणि उतार कर उसे दे दी। भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह मणि प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है, अतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। हे सत्राजीत, अशौच अवस्था में धारण करने से धारक का मरण हो जाता है। इतना कहकर तेज भाव भगवान सूर्य वही अंतर ध्यान हो गए। उस मणि को धारण करके सत्राजीत ऐसे सुशोभित हुए मानो वह सूर्य नारायण ही है। उनके द्वारकापुरी में प्रवेश पर उनके तेज के कारण किसी को मालूम न हुआ कि वह कौन आ रहा है। उस कांतिमान मणि को कंठ में धारण किए वह कृष्ण जी के द्वारिका में तुरंत ही चले आए। उस मणि की चमक से देखने वाले ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आए हैं। जब लोगों ने समीप आकर अस्पष्ट रूप से देखा तो उनकी समझ में आया कि यह सूर्य नहीं है, यह तो सत्राजीत है जो कंठ में मणि धारण करने के कारण सुशोभित हो रहा है। सत्राजीत के कंठ में शयमंतक मणि को देखकर भगवान कृष्ण का मन भी ललायत हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजीत के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं कृष्ण जी मुझसे यह मणि मांग न ले। इस भय से उसने उस मणि को अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए भी सावधान कर दिया। एक समय की बात है कि प्रसेनजीत उस मणि को पहने हुए ही श्री कृष्ण के साथ वन में आखेट के लिए गए। असुचिता के कारण अश्वारूढ़ा प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न लेकर जाते देखकर जामवान ने उसे मार डाला। जामवान ने उस मणि को गुफा में ले जाकर अपने बेटे को दे दिया। इधर श्री कृष्ण जी अपने सहयोगियों शिकारियों के साथ द्वारिका में लौट आए। समस्त द्वारिका वासियों ने अकेले श्री कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या कर डाली है। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी के लिए करणीय न हो। लोभी तो अपने गुरुजनों का भी वध कर डालते हैं। इसी प्रकार की चर्चा सब लोग करने लगे। झूठे दोषारोपण से श्री कृष्ण जी के मन में बहुत ही संताप हुआ और वे फिर किसी से बिना कुछ कहे सुने कुछ लोगों को साथ लेकर नगर के बाहर चले गए। वन में जाकर कृष्ण ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजीत सिंह द्वारा मृतक होकर पड़े हैं। सवारी के साथ प्रसेनजीत के पद चिन्हों के सहारे वहाँ गए जहाँ वृक्ष ने सिंह को मारा था। रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण उसकी गुफा में घुस गए। ऋक्षराज की गुफा बहुत ही भयंकर थी और उसमें गहन अंधेरा था, अतः प्रजाजनों को गुफा द्वार पर छोड़कर भगवान श्री कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अपने तेज से अंधकार का निवारण करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणीक स्थान एवं महल को देखा जहाँ पर जाम्बवान का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणि रत्न लटक रहे थे। बालक के उस खिलौना स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नैनी किशोरी उस पालने को झूला रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी नवयुवती बाला को देख कर श्री कृष्ण जी विस्मित हो गए। वह कमलमुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी कि लाडले तुम क्यों रो रहे हो, देखो प्रसेनजीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मारकर यह श्यामंतक मणि तुझे खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह बाला कामातुर होकर धीरे धीरे प्यार भरी बात करने लगी कि मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले ही आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर प्रतापवान कृष्ण जी हंसकर अपना पांचजन्य शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से ऋक्षराज घबराकर उठ बैठा और उसके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान कृष्ण और जाम्बवान में परस्पर तुमूल युद्ध होने लगा। इस दृश्य से सभी नारियां चित्कार करने लगी और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे पुरजन उन्हें मृत समझकर सातवें दिन द्वारिका लौट गए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने उनके मृतक कर्म कर डाला।
इधर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण और ऋक्षराज में 21 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध होता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के युद्धोन्माद को छिन्न कर दिया। त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जांबवान ने भगवान को पहचान लिया। जांबवान कहने लगा, मैं सभी देवों, दैत्यों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मर्दगणों से अपराजय हूँ। वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते। हे देवाधिदेव, आपने मेरे पर विजय पाई है, इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया कि आप में भगवान विष्णु का तेज है, किसी अन्य में इतनी बल नहीं हो सकती। जिसके किंचित कृपा कटाक्ष से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, उसके किंचित रोष से घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जीव व्याकुल हो गए और अथाह सागर भी क्षुब्ध हो उठा। उस सागर ने अपने धृष्टता के लिए क्षमा याचना की और सेना के लिए मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु बांधकर अपने यश को उज्जवल किया और सैन्य दल के साथ लंका पर आक्रमण करके राक्षसों का अपने बाणों द्वारा शिरच्छेदन किया। आप त्रेता युग के वही धनुर्धारी राम हैं। हे महाराज, जब जांबवान ने पहचान लिया तो उन्हें देवकी नंदन श्री कृष्ण जी कहने लगे कि भगवान कृष्ण ऋक्षराज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उससे प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे ऋक्षराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारणार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात को सुनकर जांबवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या जांबवती को उन्हें समर्पित करके दहेज स्वरूप मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण कर जांबवान को दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने से पहले जांबवान ने अपनी कन्या का पानी ग्रहण उनके साथ कर दिया। जांबवती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारिका आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवित होने पर उसके परिवार वालों के हर्ष की सीमा नहीं रहती, वही अवस्था कृष्ण को देखकर द्वारिका वासियों की हुई। श्री कृष्ण को धर्म पत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देखकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की राज्यसभा में आए। वहां उन्होंने मणि के गायब होने और उसकी पुनः प्राप्ति की सारी घटना कह सुनाई। भगवान कृष्ण ने राज्यसभा में उपस्थित सत्राजीत को अपने पास बुलाकर उसे वह मणि दे दी। यादव संसद सदस्यों के सामने मणि को देकर भगवान झूठे कलंक के दोष से मुक्त हो गए। सत्राजीत बुद्धिमान थे, मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद सतधनवा अक्रूर आदि दूषित हृदय वालों यादवों ने मणि के कारण सत्राजीत से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पापात्मा सतधनवा ने सत्राजीत की हत्या करके मणि अपने हाथ में कर ली। श्री कृष्ण जी के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बातें बताई। एक बार नगर में पुनः चर्चा हो उठी कि ये कृष्ण भीतर से तो काले अर्थात कलुषित हृदय वाले हैं और ऊपर से सीधे साधे दिखते हैं। तब भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा कि भैया, सतधनवा ने सत्राजीत का वध कर डाला है, अतः अब मणि के साथ पलायित होने वाला है। सतधनवा ने सत्राजीत की हत्या करके हम लोगों के मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात जब सतधनवा को मालूम हुई तो उसने भयभीत होकर उस मणि को अक्रूर को दे दिया। मणि देने के पश्चात वह एक घोड़ी पर आरूढ़ होकर दक्षिण की ओर भाग चला। इधर रथारूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण उसका पीछा करने लगे। संयोजन के बाद उसकी घोड़ी मार डाली गई, तब वह पैदल ही भागा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। मणि के लिए इच्छुक कृष्ण जी ने रथारूढ़ बलदेव जी से कहा कि भैया, इसके पास तो मणि नहीं मिली। कृष्ण की बात से बलराम ने रुष्ट होकर कहा कि कृष्ण, तुमने सदैव से कपट का व्यवहार किया है,
तुमसे बढ़कर लोलुप और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जब तुम धन के लोभ में पड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करने से भी नहीं चूकते, तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ देगा। तदंतर बलराम जी की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण जी ने शपथ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्यापवाद के क्लेश को सहन करना धिक्कार है, ऐसा कहकर बलदेव बराबर विदर्भ देश की ओर चले गए और कृष्ण जी रथ में सवार होकर द्वारिकापुरी वापस लौट आए। श्री कृष्ण जी के लौटने पर द्वारिकावासी पुनः चर्चा करने लगे। श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारिका से बाहर निकालकर अच्छा काम नहीं किया, मणि के लोभ में उन्हें ऐसा करना उचित नहीं था। इस लोकापवाद से श्री कृष्ण जी के मन में बहुत ही खेद हुआ और उनका चेहरा मुरझा गया। इधर अक्रूर भी तीर्थाटन के लिए द्वारिका से निकल पड़े। उन्होंने काशीपुरी में आकर यज्ञपति भगवान के लिए विष्णु यज्ञ किया। अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्ति के द्वारा सभी लोगों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में विभिन्न देवों के मंदिरों का निर्माण कराया। सूर्य द्वारा प्रदत्त उस मणि को सदैव अक्रूर पवित्रता के साथ धारण करते थे। फलस्वरूप वे जहाँ भी रहते थे वहाँ ना तो कभी अकाल ही पड़ती थी और ना व्याधि जनित किसी को रोग का ही प्रकोप होता था। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे सभी बातों को जानते थे। मनुष्य देहधारी होने के कारण लोकाचार के लिए माया इष्टता में अपनी अज्ञानता प्रकट करते थे। देखो तो मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ, बार बार तरह तरह के अभियोग लगते रहे, अतः इतना कलंक कहाँ तक सहा जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी चिंता अवस्था में थे और वहाँ पर नारद जी आ पहुँचे। भगवान द्वारा अभ्यर्थित होकर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर मुनि कहने लगे कि हे भगवान, आप खिन्न क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप किस चिंता में पड़े हैं? हे प्रभु, हे केशव, आप संपूर्ण वृतांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, मुझे बार बार अकारण कलंक लग रहा है, इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे देव, आप पर लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो सुदी चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया, इसलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ा है। नारद जी की बात को सुनकर भगवान कृष्ण सारगर्भित वाणी में कहने लगे कि हे देवर्षि नारद जी, चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कैसे दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चांद को लोग दर्शन करते हैं और उसका सुंदर फल पाते हैं। नारद जी ने कहा कि स्वयं गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले अर्थात अपने सुंदरतम रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया था कि आज के दिन जो लोग तुम्हारा दर्शन करेंगे, समाज में उन्हें व्यर्थ ही निंदा का पात्र होना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे मुनिवर, अमृत की वृष्टि करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया? आप इस सर्वोत्तम उपाख्यान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु और शिव से मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। तदंतर शास्त्रोक्त विधि से गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी सदृश मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता पालन एवं संहारकर्ता गणेश जी, जो लोग भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजन करेंगे, उनके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं, उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। हे गणाध्यक्ष, आपके कृपा कटाक्ष के बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं तथा शिवजी संहार करते हैं, ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति को सुनकर गणेश जी ने विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा कि गणेश जी ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी,
मैं आपकी भक्तिपूर्ण निश्चल स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर के रूप में मांग लीजिए, मैं उसे पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा न हो। यह सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, अर्थात आपका कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मा जी अभिष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी सत्य लोक में चलकर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण किए। आकाश मार्ग में चंद्रलोक में जा पहुंचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी को ऐसा हास्य योग्य स्वरूप को देखा, जिसमें उनका लंबा सूढ़, सूप के समान कान, लंबे दांत, भारी भरकम तुंदली पेट और चूहे के वाहन पर आसीन है। ऐसे विस्मयकारी रूप को देखने से रूप गर्वित चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम दर्शनीय एवं सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा कि हे चंद्रमा, तुम मद दर्पित हो रहे हो, इसका फल तुम्हें बहुत जल्द भोगना होगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख को नहीं देखेगा, और जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारा मुख को देख लेगा उस पे अवश्य उसे कलंकित होना पड़ेगा। ऐसी भीषण श्राप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मलिन हो गया तथा वे जल में प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगा। इधर देवता, ऋषि और गंधर्वों को बड़ी निराशा हुई और वे सब दुखी होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में पितामह ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृतांत का वर्णन किया कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर उन देवताओं से कहा कि हे देवताओं, गणेश जी के श्राप को कोई अन्यथा नहीं कर सकता, ना तो मैं कर सकता हूँ और ना ही विष्णु इंद्रादि देवता, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे देवो, आप उन्हीं के शरण में जाएं, वे ही चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा कि हे पितामह, हे अतीव बुद्धिशाली, हे प्रभु, किस उपाय से गजानन प्रसन्न होकर वर देंगे, आप उसी उपाय को बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी की पूजन विशेषतया कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में यत्न पूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी में उन्हें मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी इच्छा पूर्वक मिष्ठान, हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्णमयी प्रतिमा देनी चाहिए। शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। धन रहते हुए कृपणता नहीं करनी चाहिए। पूजन व्रतादि की विधि जानकर सब देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को भेजा और उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुनाई। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत एवं पूजन किया, जिसके फल स्वरूप प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी प्रकट हो गए। अपने सम्मुख गणेश जी को क्रीड़ा करते हुए देखकर चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि हे विभु, आप समस्त कारणों में आदि कारण हैं। आप सर्वज्ञ एवं सबके जानने योग्य हैं। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवाधिपति, हे जगन निवास, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड गणेश जी, हे ब्रह्मा विष्णु से पूजित, मैंने गर्व के कारण आपका उपहास किया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे गणेश जी, जो आपकी पूजा न करके अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में मूर्ख और संसार में अभागे हैं। मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो पापात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं, उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति को सुनकर गणेश जी ने हंसते हुए मेघ के समान गुरु गर्जन में बोले। गणेश जी ने कहा कि हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम मुझसे वरदान के रूप में मांग लो।
मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रमा ने कहा कि मेरा दर्शन सभी लोग पुनः पूर्ववत करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि हे गणेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पाप श्राप दूर हो जाए। यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं दे सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मादि देवगण अत्यंत भयभीत होकर भक्तवत्सल गणेश जी से प्रार्थना करने लगे। देवता लोग निवेदन करने लगे कि हे देवाधिदेव, आप चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दें। यही वरदान हम सभी आपसे चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के बड़प्पन का विचार कर चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दें। देवताओं की बात को सुनकर गणेश जी ने बड़े आदर के साथ कहा कि आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः आप लोगों को अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा कि जो लोग भादो सुदी चौथ को चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य ही लगेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल द्वितीया के दिन जो व्यक्ति हर महीने में निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भादो सुदी चौथ के दर्शन का दुष्परिणाम नहीं भोगना होगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सब लोग आदर पूर्वक चंद्र दर्शन करने लगे। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के चंद्र दर्शन की महत्ता का वर्णन किया है, किंतु दूज के चंद्रमा का दर्शन करने वाले जो पापात्मा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे, उन्हें एक वर्ष के भीतर ही मिथ्या कलंक का भागी बनना पड़ेगा। इसके पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा कि यदि ऐसी घटना घटित हो जाए तो देवाधिपति आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, यह बताने की कृपा करें। श्री गणेश जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू आदि का भोग लगाकर मेरा पूजन करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करके कथा श्रवण करेंगे एवं ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दान देंगे, मैं सदैव उनके कष्टों का निवारण करता रहूंगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता न हो तो भादो सुदी चौथ को मिट्टी की ही सुंदर मूर्ति बनवावे। सोने के अभाव में मिट्टी की प्रतिमा का विविध सुगंधित फूलों से मेरी पूजा करे। फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मण को भोजन कराकर विधि पूर्वक पूजन के बाद कथा सुनकर वर्णित विधान द्वारा ब्राह्मण को समर्पण कर दे कि हे देव देव गणेश जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और सदैव सभी समय में हे देव आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा करें। आप सम्मान धन धान्य पुत्र पौत्र आदि देते रहे, हमारे वंश में विद्वान गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहे। तदंतर ब्राह्मण को यथाशक्ति दान की दक्षिणा दे। नमकीन पदार्थों से विरहित होकर लड्डू मालपुआ खीर आदि मीठे पदार्थों का ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं इच्छा अनुसार भोजन करे तथा इस प्रकार व्रत रहकर पूजन करे तो मैं उन्हें सदा विजय कार्य में सिद्ध धन धान्य विपुल शांति देता रहूंगा। इस प्रकार कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण जी, आप इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक अवश्य ही छूट जाएगा। तब नारद जी के आदेशानुसार भगवान कृष्ण ने व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के करने से श्री कृष्ण कलंक से मुक्त हो गए। नारद जी कहते हैं कि जो कोई आपके श्यामंतक मणि के उपाख्यानों को सुनेंगे, चंद्रमा के चरित्र का कथानक सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या किसी तरह का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से हो जाए, इसके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि इस क्लेशापहारक कथा को अवश्य सुने। नर अथवा नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत के करने से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। विघ्न विनाशक गणेश जी की प्रसन्नता से
मनुष्यों को संसार में सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। इस प्रकार से भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी के श्यामंतक मणि की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से भगवान गणेश का भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मिट्टी का प्रतिमा बनाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अगर भूलवश इस दिन चंद्र दर्शन हो जाए तो श्यामंतक मणि का कथा भी अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भगवान गणेश के चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा भगवान गणेश की कृपा से उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।